द खटक की चुनावी यात्रा लगातार 3 से 4 विधानसभाओं को कवर करते हुए दौसा पहुंच चुकी है। दौसा में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि यहां से जो विधायक थे वह तो सांसद बन गए और उसके बाद यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। और वहीं बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है जगमोहन मीणा को, जो किरोड़ीलाल मीणा के भाई है। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहां से दीनदयाल बेरवा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन यहां से निकलकर उपचुनाव में और फिर विधानसभा की ओर जयपुर पहुंचता है। और अब लोगों से बातचीत करेंगे, लोग एक चाय के होटल पर रुके हैं, सुबह का समय है, चाय पीने का मन हो गया हमारा भी, तो चाय भी पी लेते हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। और बता दें आपको कि यहाँ पर जो मीणा समाज के लोग हैं, जो बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पर, ये सभी पढ़े लिखे हैं तो इनको विकास के मुद्दों पर ही वोट करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि मेन मुद्दे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश मीणा है। दिनेश जी मीणा, हाँ जी, क्या करते हो? पढ़ाई पढ़ाई तो कर ली। कर ली? हाँ जी। नौकरी नहीं चढ़ी, क्योंकि मीणा में 100 में से कहा जाता है कि 90 तो मीणा नौकरी में होते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हो जी? अच्छा, आपको तो दोबारा मौका मिल गया चुनाव करने का। जी है? जी, फिर खुशी है या? खुशी है सर। हाँ, अच्छा, तो आपके पहले जो विधायक थे जिनको आपने चुना था, फिर सांसद के रूप में चुना, उन्होंने क्या कामकाज करवाया? सब कांग्रेस के कार्यकाल में काम तो अच्छा हुआ है, पर अब की बार ये तय कर लिया कि जगमोहन मीणा को जिता के भेजना है विधानसभा। क्या कारण? जगमोहन पलट कैसे गए कांग्रेस से बीजेपी? सर, सत्ता तो पलटनी भी चाहिए, तभी काम होता है बढ़ चढ़ के। इसलिए हम अब की बार बीजेपी में वोटिंग करेंगे। अच्छा, बात करें यहाँ पर लोग क्या देखकर, किस मुद्दे को ज़्यादा देखकर वोटिंग करते हैं? देखो, यहाँ तो एक तो समाज की बात आ जाती है और फिर पार्टी की बात आती है, सत्ता की बात आ जाती है। तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार का तो बीजेपी का ही प्रत्याशी जाना चाहिए जीत के यहाँ से, इसलिए हम बीजेपी में ज़्यादा वोटिंग करेंगे बीजेपी में। और जी, फिर आपने कांग्रेस को जिता दिया 2 बार सर, वो भी जिताया था आपकी बार। जैसे कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में तो हर बार चेंज होती है, तो हर बार विकास तो बढ़ चढ़ के ही होगा। अच्छा। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बीजेपी ज़्यादा करेगी, कभी कांग्रेस ज़्यादा करेगी। तो अच्छा, जगमोहन मीणा कैसे लगते हैं, कैसे प्रत्याशी है? सर, जगमोहन मीणा तो देखो अधिकारी लेवल के भी आदमी रहे हैं वो, तो अब बाद में अच्छा विकास करवाएंगे वो। क्या नाम है ताऊ आपका? रंगलाल है। रंगलाल, आप भी मीणा जी? मीणा है। आप सब बैठे यहाँ पर? मीणा, आप भी? मीणा है। आप भी सब? अच्छा, और मीणा के बाद यहाँ पर ज्यादा कौन से समाज के लोग रहते हैं? मीणा समाज, मीणा ही सबसे। हाँ जी। सेकंड नंबर? सेकंड नंबर फिर तो ऐसे आ जाते सर, ऐसे आ जाते हैं। जाट समाज के? नहीं नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है सर यहाँ पे, तो मीणा ST SC ज्यादा है यहाँ तो। तो मीणा की बात करें तो वो लगभग तो बीजेपी की तरफ? बिल्कुल सर, सबका रुझान बीजेपी की तरफ है, सब मीणा होगा। अच्छा, हाँ जी। आप जानते हो किरोड़ीलाल मीणा को? जानते हो? जानते हो? कभी मिले हो? जानते हैं। कभी मिले हो? मिले। कब मिले थे? चाव दी थी, मिल जाओ साहब। अच्छा, आप भी पढ़े लिखे हो? नहीं साहब, मैं गवार आदमी, चाय बनाता हूँ या। अच्छा, चाय बनाते हो। और अभी जगमोहन मीणा है जो यहाँ से प्रत्याशी बनाया बीजेपी को, वो कैसे आदमी? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, बढ़िया कामकाज करवाएंगे लगता है आप? करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या कामकाज जो कांग्रेस ने नहीं करवाया, आपके सांसद ने नहीं करवाया, अभी बाकी है? सब मत कम समझो जी मामला, मतलब काम क्या होना चाहिए यहाँ, क्या नहीं हुआ है? काम तो साहब पानी का होना चाहिए। पानी का होना चाहिए? अच्छा, पानी की यहाँ क्या नहर वहर पास में है क्या है? नहीं है सर, नहर पास में। तो कैसे पानी? पानी डॉक्टर साहब ही लेके आएंगे, कांग्रेस ला ही नहीं सकती है। पानी तो खूब भरा हुआ, मैं आ रहा था साइड में, पानी पानी ये तो अभी बारिश हुई इसका भरा हुआ है ये तो। हमारे पानी की विकट समस्या है, ये है समस्या। और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा भी देखो, आगे और भी जो कई विकास है, सड़क है, हॉस्पिटल है, सब समस्या समाधान हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैंने देखा कि रास्ते से आ रहे थे ना, उस दौरान दोनों तरफ पानी है जो बहुत भरा हुआ था, तो किसानों को नुकसान नहीं पहुँचता? नहीं सब, नुकसान तो नहीं पहुँचता, पानी कम है यहाँ हमारी, तो पानी कम है। नहीं, फिर खेत तो भरे हुए, किसान खेती कैसे करेगा? वहाँ तो हो जाएगी खेती, तो वहाँ पानी होना हो जाएगी खेती, हमारे यहाँ नहीं है पानी। कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा है हमारे यहाँ,
कोई काम नहीं करेगा हमारे यहाँ पे। तो क्या काम अभी जो जगमोहन मीणा अगर जीत के जाते हैं तो वो सबसे पहले करवाना, वो कराएंगे साहब काम, वो कराएगा। क्या क्या काम होने चाहिए? हमारे पानी भी लाएगा और भी बहुत सारे काम कराएगा, वो काम कराएगा, दबा दबा के काम कर। उसकी सरकार है, राज्य यहाँ सरकार है, राज्य में केंद्र सरकार उसकी है, डॉक्टर साहब की, वही काम कराएगा। अच्छा कैंडिडेट है, वह बोल चला दबंग नेता है। दबंग नेता है? हाँ दबंग नेता है ये। और यहाँ पर जो आपके किरोड़ी लाल मीणा है, इनके भाई साहब जगमोहन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इस्तीफा काहे का दे दिया? इस्तीफा दे रखा है ना, मंजूर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ वो तो दे रखा है वो। हाँ जब वो कन्हैयालाल जी के मैटर में दिया था इस्तीफा, तो हाँ भाई यहाँ से सीट नहीं निकलेगी सांसद की तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो सरकार ने मंजूर नहीं किया। मंजूर नहीं किया तो उसका भाई आ गया, उसको भाई को जिता के। ये तो नहीं है कि भाई को टिकट दिलवानी थी इसलिए? ना 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 ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा तो नहीं है? नहीं ना ऐसा कोई इशू नहीं है साहब, ऐसा कोई इशू ना ना। और जो ये आपका क्षेत्र पढ़ाई लिखाई वाला क्षेत्र है, जो यहाँ पर लोग अक्सर पढ़ लिख के नौकरियों में चढ़ते हैं, किसानों के लिए यहाँ क्या मूलभूत जो परेशानी वो सामना करना पड़ता है? यहाँ तो किसानों को तो है समस्या तो, पर इतनी नहीं है। क्या क्या खेती में क्या क्या होता है यहाँ पे? गेहूँ भी होता है, बाजरा भी होता है, मूंगफली भी होती है, गंवार भी होता है, तिल भी होती है, सरसों भी होती है, सब चीज़ होती है यहाँ पे। आजीविका क्या है, लोगों के रोज़गार क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो रोज़गार तो सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर है, यहाँ पे कोई रिको एरिया नहीं है अपने, तो अब की बार चाहेंगे तो डॉक्टर साहब रिको भी करवा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा रिको एरिया नहीं है? नहीं है सर अभी, यहाँ पे सब बाहर जाते हैं यहाँ। हाँ बाहर काम का। हाँ जी अब की बार डॉक्टर साहब का ये सपना है कि इधर रिको भी डालेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो मीणा जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे उनको जयपुर जाना पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है ना? यहाँ तो वैसे तो महाविद्यालय खुल गया ना। नहीं एक से तो क्या होगा, बड़ा एक हब बना हुआ जैसे जयपुर सीकर की बात करें। हाँ हाँ वो तो नहीं है सर, पर अब धीरे धीरे हो जाएगा ये। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सारी जो आवश्यकता है पूरी ले आऊँगा मैं। ले आएंगे? हाँ जी। तो इस बार आप सभी ने माहौल बना दिया है? तय कर लिया ये तो, तय कर लिया। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस के कोई सोचना ना, ना 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 सोच नहीं रहे उनके बारे में, ये तय कर लिया कि अब की बार जगमोहन जी को विधानसभा भेजेंगे। पक्का कन्फर्म है सर। बढ़िया, आपकी चाय भी आ गई, चाय भी पी लेते हैं। ले लो चाय ले लो। जला दिया हाथ आपने? चलो और भी भाई साहब है सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? अभिषेक मीणा। अभिषेक जी पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या करते हो? बीएससी एग्रीकल्चर। कहाँ से कर रहे हो? जोबनेर से। हाँ। अच्छा तो आपके जयपुर भी नज़दीक नहीं है? जयपुर नज़दीक है, 70 किलोमीटर है यहाँ से। तो जोबनेर तो कम पड़ता है, इधर से सीधे जाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई वाला क्षेत्र में कोई वो नहीं है, कोचिंग वगैरह कोई नहीं है अच्छी, कोचिंग अभी नहीं है इसमें पे। तो होना चाहिए यहाँ पे? हाँ होना चाहिए, जयपुर में जाना पड़ता है। तो सरकार ने करवाया नहीं? नहीं अभी तक नहीं करा, ना कोई कोचिंग है दौसा के अंदर, और जयपुर जाना पड़ता है पढ़ाई कोचिंग। तो जगमोहन जी ने एक अच्छे पद से आए हुए हैं, तो क्या कोचिंग वगैरह के लिए बोल रखा है, तो दूर जाना नहीं पड़ेगा यहाँ। इस बार आप प्रोग्राम में जगमोहन जी के समर्थन में आपके? बिल्कुल मन बना लिया है कांग्रेस को हटाना। हाँ कांग्रेस को हटाना, देख लिया दो बार तीन बार देख लिया कांग्रेस को वोट देके, काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा काम। देखिए दोस्तों, लोगों से बातचीत की, किसान की बात करें या ज़्यादातर जो मीणा समाज के लोग हैं यहाँ पर, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको या जोबनेर या जयपुर की तरफ जाना पड़ता है। कांग्रेस को इन्होंने कहा दो तीन बार मौका दे दिया, परंतु कोई यहाँ पर काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज़्यादातर और मुख्य मुद्दा यहाँ पर बात करें तो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसको लेकर इनका कहना है कि जगमोहन मीणा अगर विधायक बनते हैं तो वह हमारे लिए चंबल का पानी यहाँ पर दूसरा में ले आएंगे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, क्या चुनावी सरगर्मियाँ है। लगातार जुड़े रहिए धकाटक से, मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, और हमारी चाय भी ठंडी हो रही है। धन्यवाद।